हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मिता फूड एंड फैशन। आज यहाँ पर मैंने व्रत स्पेशल कैरेमल साबुदाना खीर बनाया है, जो कि बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए अब इसकी रेसिपी देखते हैं। और रेसिपी देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साबुदाना खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 आवर्स के लिए साबुदाना, जो छोटे वाला आता है, उसको मैंने सोक करके रख दिया था और ये अच्छे से फूल चुका है। अब इसके लिए मैंने इसका मेजरमेंट लिया है, ये 1 कटोरी लिया है और 1 लीटर के बराबर मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है। अच्छा सा बॉयल आ जाए उसके बाद आप इसमें साबुदाना को डाल दें। दूध को मैंने करीब 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल होने दिया है। अब इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया है, ये थिक हो चुका है, तो अब इसमें हम साबुदाना मिला देंगे। साबुदाना मिलाने के बाद हम इसको इमिडिएटली चलाते रहेंगे इस तरह से, क्योंकि इससे नहीं तो ये दूध के फटने का डर होता है, और इस तरह से रेगुलर हम इसको चलाते रहेंगे। जब तक साबुदाना हमारा पक रहा है तब तक हम इसके लिए कैरेमल तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन में 1 चम्मच हम घी डालेंगे। अब घी मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें हम शुगर मिला देंगे। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको लगातार चलाते रहें और फ्लेम को आप बिल्कुल हाई पे कर दें। ये देखिए, ये चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और जो हमने घी डाला था वो भी स्प्रेड हो रहा है थोड़ा सा। तो अब इसको थोड़ी देर तक हम और चलाते रहेंगे, बिल्कुल ये इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से चलाते रहेंगे इसको, और लास्ट पे हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, और जब इसका बिल्कुल भी कलर चेंज हो जाएगा फिर इसमें हम पानी डालेंगे। अब ये देखिए, ये बिल्कुल हो चुका है। जब ऐसा होने लग जाए तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। जब इसमें इस तरीके से झाग बनने लग जाए तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, और इस तरह से इसको लगातार चलाते रहें। अब यहाँ पर इसमें हम पानी डाल देंगे, इसको इस तरीके से ढक देंगे। अब ये जो हमारे साबुदाना है ये भी अच्छे तरीके से पक चुका है, ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है अच्छे से। तो अब इसमें जो हमने कैरेमल बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब ये बिल्कुल धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर। किशमिश डालेंगे तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा काट लूंगी, और थोड़ा सा काट के मैंने इसमें मिला दिया है। गैस के फ्लेम को अभी बिल्कुल भी लो रखेंगे। अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं और वो इसमें मिला देंगे, और अगर आप चाहें तो इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, और आपको अगर इसका कच्चा टेस्ट पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अभी हमारी कैरेमल साबुदाना खीर बिल्कुल भी रेडी है सर्व करने के लिए, तो आइए इसको आप सर्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पोमेग्रेनेट लिया है, आप अपने पसंद की कोई भी फ्रूट्स को ले सकते हैं। लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक्स, और इसी तरह की अच्छी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।